लॉकडाउन की वजह से गोरखपुर जनपद के पुलिस लाइन के पास कुछ गरीब रिक्शा चालकों गरीबों को हो रही दिक्कत को समझते हुए रविवार को चार नन्हे मुन्ने बच्चे अविराज सिंह, आन्या, ऋषिता, आदिति बगल के स्थित महिला थाना प्रभारी के सामने आए और उन्होंने अपने पास बचत कर जमा की गई धनराशि यानी गुल्लक के पैसे महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह को देते हुए कहा कि मैम ये पैसा गरीब जरूरतमंदों के सहयोग में लगा दिया जाए। इस बात पर जब महिला थाना प्रभारी ने पूछा कि आपको ऐसा करने के लिए किसने कहा तो बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने टीवी पर देखा है कि कुछ लोग बहुत परेशान हैं, बच्चों की भावना को देख देश के प्रति लगाव देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। बच्चों ने कुल 4600 रुपये की सहयोग राशि महिला थाना प्रभारी को दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे अविराज सिंह, आन्या, ऋषिता, आदिति और महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने कहा कैसे हैं? अच्छा पिगी बैंक की फोटो दिखा देते सामने। आए आप लोग देने के लिए कुको को पैसे कुको को खाना खिलाने के पैसे लाए। किसको किसको खाना खिलाना है? कुको को। जिनके पास क्या खाने को नहीं उनके लिए खाने के लिए पैसे लाए हैं आप लोग। क्या नाम है आपका? आगे करके दिखाइए क्या लाए हैं। आप क्या लाए बेटा? किसके लिए लाए हो? गरीब लोगों को बैठने के लिए। भूखों को पैसे खाना खिलाने के पैसे। किसको किसको खाना खिलाना है? भूखों और गरीबों को खाना खिलाने के। अविराज। जिनके पास लॉकडाउन की वजह से खाना नहीं है, पैसे नहीं है उनको खिलाने की और देने के लिए। आदिति। गरीबों के लिए। क्या करेंगे पैसे का गरीब? खाना खाएंगे। ऋषिता सिंह। गरीबों को जिसके पास पैसे नहीं है वो खाना खाने के लिए। कहाँ से सीखा है सब आप लोगों ने? हम लोग न्यूज़ और टीवी में देखते हैं, मम्मी ने बताया है। आज हमारे थाने पे चार छोटे छोटे बच्चे आए थे, उन्होंने अपने पिगी बैंक के जो पैसे थे वो गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए मदद के लिए देने आए थे, जिससे हमारा ये उद्देश्य पूरा हो सके। और उन बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो जिनका ये कदम बहुत सराहनीय है।